सुबेरे सुबेरे प्रशांत को लगा दिया मम्मी ने काम पे। कैसी फीलिंग आ रही है भाई साहब आपको? इंस्ट्रक्शन पूरा डैडी दे जा रहे हैं इसको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 8 मई और अभी दिन सैटरडे और टाइम हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 1:46, 2 बजने वाले हैं। तो यहाँ तो हम नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, तो फिलहाल फैमिली से मिलते हैं। ये मम्मी पता नहीं क्या, वही इंस्टाग्राम, पता नहीं कितना इंस्टाग्राम देखती है। और क्या ही बोलूँगा नहीं, आप लोग देख लीजिए, समझ जाइए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वैसे तो आज जल्दी फ्री हो जाएगी, कल वाला जल्दी नहीं, आज वाला जल्दी फ्री हो जाएगी। कहो मत, कल तुमने ऐसे कहा था, कल 6 बजे तक पढ़ाना। अच्छा, मेरे कहने से मतलब। तो चलिए करते हैं आज का दिन स्टार्ट। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और दीदी भी जस्ट पढ़ा के लेटी थी कि उसका एक और गिफ्ट आ गया जिसको वो अनबॉक्स करने जा रही है। अब देखते हैं इसमें क्या लेके आई है ये आज नया। अच्छा, सुबेरे भी एक आया था ना बॉक्स, वो ये थर्ड बॉक्स है कल से अभी तक का। तुम लोग यार बॉक्स का चीरहरण कर दोगे। ये क्या है? ओह माय गॉड, आज कुछ नया आया है। तो देवी और सज्जनों, आप लोग देख सकते हैं जिससे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट आए हुए हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं पता है। ये एक तो ये है, मैं हॉल करके दिखा दूंगी। निकली ये क्या है? अच्छा, मुंह पोछने का। ये देखिए, मैं हमारी बहन ने मंगाया है मुंह पोछने के लिए कपड़ा, वो भी ऑनलाइन। वो जो कि 80 रुपये का है, ये रुमाल 80 रुपये का है। अबे ये रुमाल तो नहीं है पूरा, ये कुछ है तो सीट दबा के कुछ फूल जाएगा। और यहाँ पे प्रशांत को कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है। करने के लिए मतलब इसने पोछा मंगाया चेहरे का। क्या प्रशांत, इस पर पोछा ही है ना? पोछा है, चेहरे का क्लीनर है, साबुन से डंडा सबसे मुंह 2 दिन में धोगा ऐसे ही चमकेगा। अदरक को बिना छिले डाल देते हैं, हमें अदरक को छिलके डालना है। इसके अंदर कहीं से भी धुला होगा, कुछ बैक्टीरिया होंगे तो छिलके में होते हैं, हम उसको उतार देंगे। और इसका अदरक का छिलका होता है ड्राई, तो अगर हम उसको कूटते हैं तो इसका रस्सा इसी के छिलके में समा जाता है। जैसे कि आप देखा सकते हैं इसमें चाय उबल रही है अभी। ये थोड़ी गाइस, इस चाय के अंदर पड़ा है एक अंडा, अभी आप देखते रहिएगा, अंडे वाली चाय बनाएंगे आज हम। बज रहे हैं 8:30 और एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हम लोगों के लिए। एक और अनबॉक्सिंग करने के लिए बॉक्स आया है, ये कल से मतलब 24 घंटे के अंदर ये चौथा बॉक्स है। इसको हमने सैनिटाइज कर दिया है अच्छे से, तो चलिए एक और बार रिएक्शन देखते हैं कि कैसा रहेगा। ये लो, और अब नायका वाला जो डिलीवरी बॉय है ना, वो अब आके कॉल नहीं करता है, वो नीचे आता है और बेल बजाता है, बोलता है भैया आपका कल से 4 बार दे चुका है बेचारा। देखिए, इस लड़की से छोटी सी कैंची से नहीं होता है, ये इतना बड़ा कैंचा लेके आती है कपड़ा काटने वाले। बहुत ही बड़ा है, खड़ी नहीं।
टेप कभी कोने से काट के खोलता है? तुम अजतपुर मंड में करते हो? कितना अनबॉक्सिंग लग रहा है, अनबॉक्सिंग का ये ब्लॉग बन जाएगा। ये जब भी आती कुछ अलग ही हो जाता है। क्या होगा इसका? इससे कभी कभी जिंदगी में इस लड़की से सही से फटता ही नहीं बॉक्स। ये चीर फाड़ के बगैर रहती ही नहीं है। ओह माय गॉड, ये नायका वाले एक बार में क्यों भेज रहे हैं? एक था राइटर है प्रशस्ति पादा, उसकी किताब का नाम है धर्म संग्रह का। अभी एग्जाम टाइम में तो ये याद आएगा नहीं, तो मैंने इसका एक सबसे हंसी वाला बनाया कि धर्म के काम के समय पाते नहीं। तो अब राइटर का नाम है पाद आएगा, तो उसके आगे धर्म वाली किताबों को टिक करना है कि धर्म के काम के समय पादते नहीं है, और इसका राइटर पादा है जो प्रशस्ति पादा। ओह माय गॉड, वेरी डीप। अब एग्जाम हॉल में याद करने का ठीक तरीका है ना, अगर ऐसे याद करो प्रशस्ति पादा की किताब का नाम है धर्म संग्रह का, तो यार एग्जाम हॉल में नहीं आएगा। तो अब जैसे ही ये आएगा कि धर्म लिखा हुआ है, जैसे आएगा धर्म के नाम पे पाते नहीं, तो पादा वाला कौन सा भैया, टिक करो। कितना अच्छा है। इसी तरीके से एक है दंडिन किताब का नाम है जो है काव्य दर्शन। अब हम बचपन से मैं हिंदी में बहुत रही हूँ वीक, तो काव्य कभी सुना ही नहीं पाई, क्लास ही बंक कर दी वो वाली काव्य दर्शन की। तो दंड मिला था मुझे याद है, मेरे सर ने दिया था हिंदी के किचन में। फिर तो काव्य नहीं सुना पाई थी, दंडिन हो गई। दंडिन किताब का नाम काव्य दर्शन है। ओ, ट्रिकी, ट्रिकी। हाँ, और एक और जैसे जातका टेल्स जो होती जातक कथाएं, वो बुक के नाम पढ़ रहे हो? हाँ, तो उसकी हमारे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, तो पंचतंत्र में विष्णु भगवान की कहानियाँ होती हैं बस। और ईश्वर शर्मा की किताब का नाम संख्य करिका। अब एग्जाम हॉल में एकदम याद नहीं आता कि ईश्वर की, तो ईश्वर काम करते हैं संख हो जाते हैं। ओह माय गॉड, वेरी डीप। देख रहे हो ऐसे लप्पे से एग्जाम में हम लोग कितने नंबर काटेंगे। और एक और सुनोगे तो हंस के पागल। नहीं मम्मी, एक विशाख दत्त है राइटर, तो उनकी किताब है दो, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त। अब एग्जाम में कैसे याद आएगा? विशाख थी तो अंदर थी, विशाख देवी है, अंदर से वो मुद्रा राक्षस चंडी। विशाख है देवी, दिखती बाहर से देवी है पर अंदर से राक्षस। विशाख देवी नहीं राक्षस। वेरी गुड, वेरी नाइस। ट्रिकी ट्रिकी है सर। तो बस याद करने की ट्रिक हो, और लिस्ट देखेंगे आप लोग तो कहेंगे ओ माँ गो, इतनी बड़ी लिस्ट और इतना हड़ा ये क्या दिखा रही है? इसको पता ही नहीं रहता कब क्या दिखा रही क्या नहीं। ये देखिए लिस्ट, माँ गो टू रूलर, इतनी बड़ी लिस्ट आप जिंदगी में याद ना रखते। तो मैं इसको लपे के याद कर लिया, तो पढ़ाई के लिए भी इतना को लपे होना चाहिए। ट्रिक्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम क्या है, ट्रिक्स कहते हैं नॉर्मल बच्चे, हम जैसे बच्चे लप्पे कहते हैं, लप्पे वार वार ठोको भाई ठोको। सबसे अच्छी बात मैं कह रहा था ये है कि इसने चार बॉक्स खुलवा दिए अभी सुबह से, अभी तो आई थिंक एक तीन और आएंगे। ओह माय गॉड, इसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद हम यही बेचेंगे। हम लोग मैं और प्रशांत जाकर के रोड पे इसी को लगा के दस रुपये करके बेचेंगे। सो फाइनली हम लोग का डिनर तो हो चुका है, और अभी बज रहे हैं 10:30। 10:30 ही हो जाए ना, एक्जैक्टली 10:30 होने वाले हैं। वो ठीक है, कोई ये नहीं बोलेगा 8 मिनट पहले बता रहे हो। तो आप हम लोग ब्लॉग में यहीं पे एंड करते हैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, जो भी था हमने आपके साथ शेयर किया, इसके लिए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा। तीन तीन फ्यूचर में आपको मैं और लप्पे बताऊंगी। हाँ लप्पे, हाँ ओके। तो कैमरा इधर है, ठीक है, कैमरा इधर है, इधर करने के लिए इधर, हाँ नहीं इधर है कैमरा, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय। I begin to...